संस्थान के प्राचार्य हमारे बीच में पधार चुके हैं और संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया जा रहा है। इन पुष्पों की तरह हमारा संस्थान परिवार हमेशा प्रफुल्लित और सुगंधित रहे। प्राचार्य महोदय के कर कमलों से झंडारोहण। शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय। आदरणीय अधिष्ठाता अधिष्ठाता सूद समस्त विभागाध्यक्ष चीफ वार्डन समस्त संकाय सदस्य उप पुस्तकालाध्यक्ष प्रधानाध्यापिका प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय प्रभारी प्राथमिक विद्यालय प्रशासनिक अधिकारी लेखाधिकारी चिकित्सा अधिकारी समस्त शिक्षक समस्त अनुभाग अधिकारी सुरक्षा पर्यवेक्षक एवं समस्त कर्मचारीगण उनके परिवार के सम्मानीय सदस्यों अभिभावकों तथा विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं कोट कोट शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी के लिए यह गौरव का विषय है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र हमारा भारतवर्ष अपने गणतंत्र की स्थापना का 72वां समारोह एवं 71वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह सर्वविदित है कि आज के दिन हमने अपने द्वारा निर्मित संविधान को अधिनियमित व अंगीकृत किया, जिसकी प्रस्तावना का पहला वचन हम भारत के लोग यह सिद्ध करता है कि इस संविधान में प्रत्येक भारतवासी का योगदान है। मैं इस संविधान और इसके अनुरूप शासित होने वाली प्रत्येक संस्था को उन मूल्यों की साधना करते देखता हूँ जिन्हें एक ओर हमारे उज्जवल अतीत का गौरव कहा जा सकता है तो दूसरी ओर उन आदर्शों का प्रतीक माना जा सकता है जिन्हें हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। इस संविधान ने एक ओर हमें मूलभूत अधिकार प्रदान किए तो दूसरी ओर हमसे कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा भी की। संविधान द्वारा सुझाए गए कर्तव्यों में हमें आज राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे उन कार्यक्रमों को भी जोड़कर देखना चाहिए जिनसे देश का भविष्य निर्धारित होता है। साथियों, हम सभी को विदित है कि विश्व एवं हमारा राष्ट्र कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रहे हैं। इस महामारी में सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनी जान दांव पर लगाकर राष्ट्र सेवा करने वाले सभी कोविड योद्धाओं को नमन करता हूं। साथ ही उन वैज्ञानिकों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस महामारी के लिए वैक्सीन विकसित की है। जैसा कि हम सभी को विदित है, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृत दी है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो सबके लिए पहुंच, समता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज बनाना तथा ज्ञान की ग्लोबल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, साथ ही विद्यार्थियों को सही मायने में ग्लोबल सिटीजन के रूप में विकसित करना है। साथियों, हमें इस शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण अधिगम एवं अनुसंधान की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। एक ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
आज की आवश्यकता बन गई है तो दूसरी ओर शिक्षा में नवाचार भी परम आवश्यक है। हम एनसीईआरटी की एक संगठित इकाई हैं। हमें एनसीईआरटी के उन प्रयासों को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा जिसके द्वारा एनसीईआरटी शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी और उससे जुड़े माध्यमों का बढ़ चढ़कर प्रयोग कर रही है। डिजिटल इंडिया मात्र एक नारा नहीं है बल्कि शिक्षा के लिए एक दिशा भी है और हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। साथियों, हमारे संस्थान द्वारा ई कंटेंट के माध्यम से रोचक एवं ज्ञानवर्धक पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। हमारा संस्थान पीएमई विद्या चैनल के लिए ऑडियो एवं वीडियो सामग्री का निर्माण भी कर रहा है जिसमें हमारे विद्यालय के शिक्षक भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा है कि वे अपने आप को दैनिक जीवन से जुड़ी तकनीकी एवं कौशलों से भली भांति परिचित रखें और इस सीमा तक क्षमता विकसित करें कि आने वाली पीढ़ियों को तकनीकी एवं कौशलों के ज्ञान से अपडेट कर सकें। आज का समय एक्सपीरियंशियल, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग का है। अब हमें विद्यालय की चार दीवारी में बंद होकर सीखने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अपने सीखने के दायरे को बढ़ाना होगा और सीखना होगा पुस्तकों से बाहर जाकर, जीवन के अनुभवों से संवाद करके, दूसरों के साथ विचार विमर्श करके और पर्यावरण तथा समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए। हमको अपने सामने प्री प्राइमरी से लेकर तथा पीएचडी तक के विद्यार्थियों को इस संस्थान में पाकर आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि हमने शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्य किया है तथा इसके सार्थक परिणाम प्राप्त होना प्रारंभ हो गए। एक परिणाम जो संभवतः हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए वह है संस्था और राष्ट्र के प्रति योगदान। मेरी दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक स्तर पर अपने ज्ञान, समझ, अनुभव और क्षमता के आधार पर अपना सक्रिय योगदान दे सकता है और उसे आवश्यक रूप से देना भी चाहिए। आज मुझे सेल्फ डिसिप्लिन के संदर्भ में भी आपके समक्ष कुछ कहने की अंतः प्रेरणा हो रही है क्योंकि जिस संस्कार और शिक्षा के साथ बच्चे घर से विद्यालय आते हैं और औपचारिक शिक्षा पूर्ण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं उसका जिंदगी भर उन पर प्रभाव रहता है। यदि घर पर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, बड़ों के द्वारा सेल्फ डिसिप्लिन का पाठ स्वयं अनुसरण करके सिखाया जाए तो आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से संयमित और मर्यादित आचरण करेगी। अतः मुझे लगता है कि हमें अपने स्तर पर सेल्फ इंस्पेक्शन करना चाहिए तथा लगातार अपने आप से पूछना चाहिए कि उसने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया जिससे समाज की गरिमा को ठेस पहुंची हो। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कोविड-19 की एडवाइजरी को समग्रता से ध्यान में रखते हुए सुचारू एवं सतत रूप से जारी रखें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहें। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को न पालो। आज के दिन मैं शिक्षा को एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखना चाहूँगा जिसके द्वारा हम अपने देश के प्रत्येक बच्चे में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने ला सकें जिसकी राष्ट्र को आवश्यकता है। हमारा संस्थान उत्तर भारत के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में एक उत्तम गुणवत्ता के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाला संस्थान है। अतः आज के दिन में संस्थान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश देना चाहूँगा कि वह अपनी क्षमताओं, ज्ञान और कौशल का इस तरह से रचनात्मक प्रयोग करें कि हमारे संस्थान की सेवाओं में गुणात्मक सुधार हो। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की कोट कोट हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
और आशा करता हूं कि हम सभी विश्वास, सकारात्मक ऊर्जा एवं सामूहिक प्रयासों से देश की उन्नति और विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं, जिससे आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को व्यावहारिक रूप दिया जा सके। जय हिंद। संस्थान के सभी सदस्यों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। हम संस्थान परिवार के सभी सदस्य NCERT के शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी प्रयासों को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा दावण उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। अब हम सभी संस्थान के मुख्य द्वार पर पौधारोपण के लिए चलेंगे।